नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं करनाल से केसी आर्या। करनाल में जहां पर सरकार की एक तरफ डीएपी खाद होने से किरकिरी हो रही थी, वहीं किसानों के लिए भी परेशानी का सबब बना हुआ था, क्योंकि डीएपी खाद ना मिलने से उनको बिना उसके ही अपनी फसल की बिजाई गेहूं की करनी पड़ रही थी। परंतु अब सरकार द्वारा भारी मात्रा में डीएपी खाद यहाँ पर मंगवाई गई और करनाल के किसानों के लिए खुशखबरी की बात यह है कि अब उनको अपनी जो गेहूं की बिजाई करनी है वो डीएपी खाद के साथ कर सकते हैं और इसको यूज कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि भारी मात्रा में जो डीएपी खाद है यहाँ पर पहुँची है। करनाल के रेलवे स्टेशन पर पूरी जो ट्रेनें भरकर यहाँ पर आई हैं और किसानों की जो परेशानी चल रही थी कि और उनकी मांग भी थी कि किसानों को डीएपी खाद नहीं मिल रही है, परंतु अब सरकार द्वारा यह परेशानी दूर कर दी गई और ज़्यादा भारी मात्रा में जो है यहाँ पर अब डीएपी खाद उपलब्ध होगी। हमारे साथ कृषि विभाग के डायरेक्टर हैं आदित्य दैया डबास जी, उनसे जानते हैं कि सर ये जो सरकार द्वारा डीएपी खाद मंगाया गया है इससे कितना फ़ायदा किसानों को होगा, क्योंकि पहले शॉर्टेज थी अब ये पूरी कर दी गई है। जी सर, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि करनाल के अंदर शॉर्टेज जो है वो कभी नहीं थी। सिर्फ ये था कि पहले किसानों में कि ये थोड़ी सी भावना आ गई थी कि इस साल शायद डीएपी ना मिले, तो जिनको जो रिक्वायरमेंट बाद में रिक्वायरमेंट थी वो भी दो की जगह 5 बैग या 10 बैग, इस तरह से ये बातें हुई। लेकिन अभी जैसे करनाल के अंदर 30 से 40% बिजाई हुई है, 60% बिजाई अभी बाकी है और इसके लिए हमें पूरे सीजन में तकरीबन 18,500 मैट्रिक टन खाद चाहिए और तकरीबन 16,000 मैट्रिक टन खाद हमारे आज तक करनाल में आ चुका है। और ये जो खाद की मात्रा मैंने 18,000 मैट्रिक टन बताई आपको, ये हमें 15 दिसंबर तक की रिक्वायरमेंट है और आज देखें आज 14 तारीख हुई है, 14 तारीख तो हमारे 15,000 मैट्रिक टन आ चुका है। तो इस प्रकार किसी भी किसान भाई को, चाहे वो गेहूं की बिजाई करनी है, जिसने जो अगेती बिजाई की है उन किसानों को भी कोई भी अभी तक कठिनाई नहीं आई है और जिन पछेती बिजाई करनी है उनके लिए भी भरपूर मात्रा में खाद उपलब्ध है। और जिन भाइयों ने आगे गन्ने की बिजाई करनी है, गन्ने की बिजाई के लिए भी हमारे पास स्टॉक आज जो है एडवांस में अवेलेबल है। सर, जो ये खाद है गेहूं की बिजाई में काम आता है, परंतु अब लेट काफ़ी आई है, तो कारण क्या है? कि क्योंकि किसान का कहना है कि उन्होंने तो आबादी गेहूं की बिजाई कर दी है। देखिए, गेहूं की बिजाई का जो सही समय है वो दो या तीन तरीके से होता है। पहला होता है 15 नवंबर तक, जिसको हम अगेती बिजाई बोलते हैं। अगेती बिजाई में केवल 40% एरिया अगेती बिजाई में आता है। इसके बाद दूसरा हमारी फसलें होती हैं जो 15 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक बिजाई, जो कि मध्यावधि की फसलें होती हैं, उनको हम 15 नवंबर से 30 नवंबर तक का समय होता है। और तीसरा हमारा जो बिजाई होती है वो दिसंबर माह में होती है। तो अभी हमारा सिर्फ एक फेज़ ही क्लियर हुआ है, जो अग्रणी है, जो अगेती जिसको बोलते हैं, वो ही अभी तक हमारा कवर हुआ है। बाकी 50% अभी भी एरिया जो रकबा है वो अभी बिजाई उसकी होनी है। और इसके साथ साथ जो दूसरी मुख्य फसल है गन्ना, गन्ने की बिजाई भी अभी अगले महीने में स्टार्ट होनी है, जनवरी में होनी है। तो उसके लिए पहले ही पर्याप्त मात्रा में खाद का भंडारण कर लिया गया है। तो अब पूरे हरियाणा भर के किसानों को यहाँ से अवेलेबल हो जाएगा डीएपी खाद? देखिए, अब की बार जो सरकार ने किया है इसको, ये पर्टिकुलर बहुत अच्छा एक कदम उठाया है कि एक डिस्ट्रिक्ट में खाद, जैसे आज करनाल में खाद आया हुआ है, तकरीबन 52,000 बैग यहाँ पे आए हैं। ये 52,000 बैग की सप्लाई जो हमारे एडज्वाइनिंग डिस्ट्रिक्ट हैं, 7 लगते हुए जिले हैं, उन सभी जिलों में इसकी सप्लाई की जा रही है, ताकि किसी जिले में जहाँ भी जींद लगता है, जींद के आसपास के जिलों में, कैथल के आसपास के जिलों में, ताकि चारों तरफ से खाद की सप्लाई होती रहे और कोई कमी महसूस ना हो। तो ये थे डिप्टी डायरेक्टर कृषि एग्रीकल्चर विभाग के आदित्य अडवाज जी। उनका कहना है कि अब 52,000 जो कट्टे हैं यहाँ पर पहुँचे हैं, जिससे आम जो किसान हैं उनकी ज़रूरतें पूरी होंगी। आप देख रहे हैं कि भारी मात्रा में जो ट्रेन से ये डीएपी खाद उतारा जा रहा है और लगातार जो ट्रेन है उसको अब खाली किया जा रहा है, ताकि किसानों की जो ज़रूरत है वो पूरी की जा सके। और ट्रेन में हम यहाँ पर खड़े हैं जिसमें ट्रेन से डीएपी खाद को उतार कर अब किसानों तक पहुँचाया जाएगा और बाहर जो है भारी मात्रा में किसानों के जो लिए डीएपी खाद की जो खेप है यहाँ पर पहुँची है और पूरी तरह से आप देख रहे हैं कि एक ट्रेन यहाँ भरकर आई है और ट्रेनों से अब ये खाद उतारा जा रहा है, ताकि जल्दी ही किसानों तक इसकी जो ज़रूरत है वो पूरी की जा सके। क्योंकि जो डायरेक्टर हैं उनका कहना है कि अभी दिसंबर में भी गेहूं की बिजाई होगी, जो पिछेती जो बीज हैं उनकी बिजाई अभी बकाया है और अभी बिजाई जो है गेहूं की चल रही है, जिसमें अभी ये काम आएगी आसपास के किसानों के लिए। जिले करनाल के जो आसपास के गांव के किसान, वो अभी यहाँ से डीएपी खाद लेकर के अपनी ज़रूरत पूरी कर सकेंगे। मैं हूँ करनाल से केसी आर्या, पंजाब केसरी टीवी।